भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मन पर विराजमान संसद में मेरे साथी और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ समर्पित सेनापति, मेरे मित्र भाई ओम जी माथुर जी, सांसद भाई चंद्रप्रकाश जोशी जी, सांसद सुभाष चंद्र बैडिया जी, जिला पंचायत के प्रमुख श्रीमान शक्ति सिंह जी हड़ा, जिला अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीनारायण डार, संयोजक भाई दामोदर, जिला प्रभारी श्रीमान पुखराज पहाड़िया, भीलवाड़ा जिला प्रभारी श्रीमान गुरुचरण जी, नगर परिषद सभापति श्रीमती दीपिका जी कंवर, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शाहपुरा से हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान कैलाश जी मेघवाल, मांडल से कालूलाल गुजर, भीलवाड़ा से विट्ठल जी शंकर, मांडनगढ़ से गोपाललाल शर्मा, गंगापुर से श्रीमान रूपलाल जाट, जहाजपुर से श्रीमान गोपीचंद मीणा, आसिन से श्रीमान जब्बर सिंह सांखला, और विशाल संख्या में पधारे हुए जोम और जुस्से से भरे भीलवाड़ा के मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये चारों तरफ मैं जो जनसागर देख रहा हूं, जो उत्साह और उमंग देख रहा हूं, जो राज दरबारी है और राग दरबारी गाने गाने की आदत पड़ी हुई है, और जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके भाजपा हार जाए ऐसे गीत गाते रहते हैं, वे जरा ये नजारा देखने। ये राजस्थान की धरती है, ये वीरों की धरती है, और ये भीलवाड़ा तो कितने ही संकट आए, कितनी चुनौतियां आई, लेकिन ये भीलवाड़ा था जिसने राणा प्रताप का साथ नहीं छोड़ा, जो मुसीबतों को मैं भी महाराणा को नहीं छोड़ा, जिसने संकटों के समय भी
मुसीबतें झेलना पसंद किया, लेकिन आखिरी दम तक राणा प्रताप के साथ डट करके खड़ा रहा। ये भीलवाड़ा की धरती को मेरा नमन है। अगर टेक लेनी तो किसकी, अगर ठान लेना है, पक्का मन बना लेना है तो दुनिया को अगर सीखना है तो राजस्थान से ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि राणा प्रताप ने वो परंपरा बनाई है और इस बार राजस्थान ने ठान ली है। मैं कल अलवर में था, क्या नजारा था। आज भीलवाड़ा देख रहा हूं, भाइयों बहनों, इस बार राजस्थान ने ठान ली है कि राजस्थान में फिर एक बार भाजपा सरकार बना के रहेंगे, विकास की यात्रा को और नई ताकत देंगे, और नई गति देंगे और राजस्थान में नया इतिहास लिखने का काम ये राजस्थान की धरती करेगी, ये मुझे विश्वास है। ये भीलवाड़ा की धरती विष्णु के अवतार भगवान देव नारायण जी की जन्मभूमि, ये धरती जहां कण कण में देशभक्ति है, साहस है, ये वीरों की धरती है, ये विरासत की धरती है, ये वैभव की धरती है, ये विकास की भी धरती है। भाइयों बहनों, आज 26 नवंबर है, जब दिल्ली में मैडम का राज चलता था, रिमोट कंट्रोल से चलता था, जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार, और ये 26/11 मुंबई में आतंकवादियों ने हमला करके हमारे अनेक देश के नागरिकों को, देश के जवानों को आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया था। भाइयों बहनों, उस आतंकवाद की भीषण घटना को आज 10 साल हो रहे हैं। और मुझे बराबर याद है कि जब मुंबई में आतंकवाद की घटना घटी थी, उस समय राजस्थान में चुनाव अभियान चल रहा था। अगर उस समय इस देश में से कोई भी उस आतंकवाद की घटना की आलोचना भी अगर करता था, निर्दोष लोगों को मार दिया इतना भी बोलता था,
तो ये राज दरबारी ऐसे उछल पड़ते थे, ऐसे उछल पड़ते थे कि बोलने वाले के मुंह पर ताले लगा देते थे। और करते कहते थे क्या, मुझे बराबर याद है, वो कहते थे ये तो युद्ध है, युद्ध पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर युद्ध बोला है और ये लोग राजनीति कर रहे हैं। इस समय दिल्ली सरकार के ओर उसके हाथ मजबूत करने चाहिए, आतंकवाद के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये बड़े बड़े उपदेश दे रहे थे। और उनके राग दरबारी बड़े गाजे बाजे के साथ कांग्रेस की लिखी हुई कथा पढ़ते रहते थे, लिखते रहते थे। मैं उन राग दरबारियों से पूछना चाहता हूं, मैं उन कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि 10 साल पहले 26 नवंबर को आतंकवाद की इतनी बड़ी भयंकर घटना घटी, सारी दुनिया हिल गई थी और कांग्रेस उसमें से चुनाव जीतने के खेल खेल रही थी। वही कांग्रेस उस समय देशभक्ति के पाठ पढ़ाती थी, लेकिन जब मेरे देश की सेना ने पाकिस्तान को उसके घर में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक किया, आतंकवादियों का हिसाब चुकता कर दिया, और एक अखबार ने तो लिखा था, वहां के नागरिकों को पूछ करके उसने लिखा था कि ट्रकें भर भर करके लाशें ले जानी पड़ रही है, जब देश की सेना ने इतना बड़ा पराक्रम किया, दुश्मन को जाकर के उसके घर में मारा, हर हिंदुस्तानी को गर्व हुआ था कि नहीं हुआ था, ये देशभक्ति की मिसाल थी कि नहीं, ये वीरता की मिसाल थी कि नहीं, ये शौर्य पराक्रम की गाथा थी कि नहीं। लेकिन ऐसे समय कांग्रेस ने सवाल उठाया, वीडियो दिखाओ, वीडियो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ, क्या देश का सेना का जवान मौत को मुट्ठी में लेकर के निकलता है, क्या हाथ में कैमरा लेके जाएगा क्या? उस समय उनको देशभक्ति याद नहीं आई, लेकिन 26/11 को ये राग दरबारी कांग्रेसियों से भी ज्यादा उछल उछल करके गीत गाते थे। आज 10 साल के बाद उनको जवाब देना होगा। वो दिन याद कीजिए, आए दिन हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में, कभी बंगलुरु में, कभी हैदराबाद में, कभी अजमेर में, कभी दिल्ली में, कभी अयोध्या में, कभी जम्मू में, आए दिन बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे, होते थे कि नहीं होते थे। भाइयों बहनों, हमने आतंकवाद के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ी है, ऐसी लड़ाई लड़ी है कि आज उनको कश्मीर की धरती के बाहर निकलना महंगा पड़ रहा है, मौत सामने दिख रही है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान कभी भी 26/11 को भूलेगा नहीं, और 26/11 के गुनहगारों को हम मौके की तलाश में हैं।
कानून कानून का काम करके रहेगा, मैं देशवासियों को फिर से एक बार विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, एक तरफ आतंकवाद, दूसरी तरफ माओवाद, जंगलों में हमारे आदिवासी बच्चों को जब उम्र कलम पकड़नी होगी हो तो ये माओवादी उनके हाथ में बंदूक पकड़ा देते हैं। नक्सलवाद, माओवाद निर्दोष लोगों को आए दिन मौत के घाट उतार देते हैं। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में घटना घटी, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवान वहां काम कर रहे थे, माओवादियों ने हमला बोल दिया और यही मेरी राजस्थान का वीर सपूत भरतपुर का नौजवान शहीद हो गया। जिन माओवादियों ने, जिन नक्सलवादियों ने भरतपुर के मेरे जवान को पीठ पर वार करके मौत के घाट उतार दिया, ये कांग्रेस के नेता इन माओवादियों को क्रांतिकारी होने के सर्टिफिकेट दे रहे हैं। नक्सलवादी क्रांतिकारी है और ये नामदार के खासम खास लोग बोल रहे हैं। भाई, निर्दोषों को मौत के घाट उतारने वाले क्रांतिकारी होते हैं क्या? भाइयों बहनों, हमने माओवाद को भी उसी की भाषा में जवाब दिया है, आतंकवाद को भी उसी की भाषा में जवाब दिया है। लोकतंत्र में हिंसा को कोई स्थान नहीं होता है। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात बताने का हक होता है, व्यवस्था होती है। ये जम्मू कश्मीर में अभी हम चुनाव करवा रहे हैं, पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, ये आतंकवादियों ने धमकी दी थी अगर कोई वोट डालने जाएगा और अगर उसकी उंगली पर वोटिंग करने का काला निशान होगा तो उसकी उंगलियां काट दी जाएगी, अगर कोई वोट करेगा तो मार दिया जाएगा। बस्तर में भी, छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों ने वोटिंग करने वालों को मारने की धमकी दी थी, लेकिन भारत के लोकतंत्र के प्रति सामान्य मानवी की निष्ठा देखिए, लोकतंत्र की ताकत देखिए। कश्मीर में तीन चरण का पंचायत का मतदान पूरा हुआ है, 70-75% मतदान हो रहा है और बस्तर में भी 70% मतदान हुआ। भाइयों बहनों, इसके लिए एक ताकत लगती है, एक हिम्मत लगती है, तब जाकर के ये आतंकवादियों से लोहा लिया जा सकता है, तब जाकर के उनको खत्म किया जा सकता है। लेकिन भाइयों बहनों, आज 26/11 को एक और भी दिवस है और वो है हमारा संविधान दिवस। बाबा साहब आंबेडकर ने देश के अनुभवी ज्ञानी विद्वान लोगों के सामूहिक चिंतन में से निकला हुआ संविधान वो हमारे देश को 26 नवंबर को अर्पित किया गया था और इसलिए आज का दिवस एक प्रकार से 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के हक का दिवस है। आज का दिवस दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के गर्व का दिवस है। आज का दिवस सामाजिक न्याय में विश्वास करने वालों के लिए सम्मान का दिवस है और इसलिए आज 26/11 जब भारत के संविधान का दिवस है, मैं संविधान के निर्माताओं को, विशेषकर बाबा साहब आंबेडकर को आज राजस्थान की धरती से नमन करता हूं, भीलवाड़ा की धरती से नमन करता हूं। भाइयों बहनों, बाबा साहब आंबेडकर ने तो
समाज के भेदभाव खत्म करने का रास्ता दिखाया। संविधान ने भी सबको समान अधिकार मिले, न्याय मिले, इसका रास्ता दिखाया। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, नामदार और नामदार के चेले चपाटे पूछ रहे हैं, मोदी की जात क्या है? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर अमेरिका जाता है, अमेरिका का राष्ट्रपति उसको मिलता है, भारत की भलाई के लिए वहां बातचीत होती है, तो क्या अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को पूछता है क्या, अरे भाई बाकी बाद में पहले ये बताओ तुम किस जात के हो, ऐसा पूछता है क्या? ऐसा पूछता है क्या? अरे जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जाता है तो सामने वाले को एक ही जात दिखती है, 125 करोड़ हिंदुस्तानी यही जात होती है। भाइयों बहनों, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी अगड़े पिछड़े ऊंचे नीचे मेरे तेरे ये जाति वो जाति, उस जहर को ऐसा उसने पचा लिया, ऐसा पचा लिया कि जहां भी निगलता है वही जहर निगलता है, और तब जातिवाद की चर्चा करते हैं। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, कांग्रेस के दूसरे नेता, उन्होंने दूसरा भाषण किया। अब जब उनके पास, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, प्लीज, कांग्रेस के दूसरे नेता चुनाव में विकास के मुद्दों की चर्चा हो, पानी पहुंचा कि नहीं उसकी चर्चा हो, सड़क बनी कि नहीं उसकी चर्चा हो, बिजली मिलती है कि नहीं उसकी चर्चा हो, बच्चों की पढ़ाई ठीक हो रही है कि नहीं उसकी चर्चा हो, भ्रष्टाचार होता है नहीं होता है उसकी चर्चा हो, कांग्रेस पार्टी उसकी चर्चा ही नहीं कर रही है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी के मुद्दे कौन से इस चुनाव में, मोदी की जात कौन सी है बताइए, ये चुनाव का मुद्दा है क्या? दूसरा कहता है मोदी का बाप कौन है, ये नामदार को शोभा देता है क्या? और इनका तो, इनका मिजाज देखिए, वो वीडियो देखा होगा आपने, वो कहते हैं ये मोदी होता कौन है जो उनके चार पीढ़ी का हिसाब मांग रहा है। अरे मोदी कुछ नहीं है, वो तो कामदार है, कामदार, लेकिन ये ऐसा कामदार है जिसके पीछे 125 करोड़ देशवासी खड़े हैं। 60 साल तक नामदार की चार चार पीढ़ी को सवाल पूछने की किसने हिम्मत नहीं की, ये हिम्मत मेरे में है। चार पीढ़ी आपको जवाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, जवाब मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए। वो कहते हैं नामदार क्यों हिसाब देंगे, हाँ आप तो नामदार है, इस देश की भोली भाली जनता आपसे हिसाब नहीं मांग सकती, आपके काम का हिसाब नहीं मांग सकती, और मोदी होता कौन है जवाब मांगे। लेकिन मोदी हिसाब मांगता भी है, मोदी हिसाब देता भी है, पल पल का हिसाब देते हैं, पाई पाई का हिसाब देते हैं। भाइयों बहनों, जब मैं चुनाव में 2014 में चुनाव में खड़ा था, तब मैंने देशवासियों को वादा किया था, देशवासियों को मैंने वादा किया था, मैं फिर से उस वादे को दोहरा रहा हूं, और मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं क्या मैं मेरे वादे पर खरा उतरा कि नहीं उतरा।
मैं पूछना चाहता हूं। मैंने कहा था कि मैं परिश्रम करने में, मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा, ऐसा कहा था मैंने? कहा था? आप मुझे बताइए, मेरी मेहनत में आपको कोई कमी नजर आती है? दिन रात काम करता हूं कि नहीं करता हूं? आपने कभी सुना है कि मैंने छुट्टी ली? आपने मुझे कभी सुना है कि मैं यहां टहलने चला गया? आपने कभी सुना है कि मैं 7 दिन खो गया? मैंने वादा किया था, वो वादा निभाया कि नहीं निभाया? मैं मेरा हिसाब दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? मैं मेरा पाई पाई पल पल का हिसाब दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? अब वो मेरे काम का हिसाब मांगते हैं, वो भी दे दूं? दे दूं? आप याद रखोगे? और आपके यहां कांग्रेस के नेता आ जाए तो जरा उनको भी पूछ लेना। पूछोगे? एक एक को खड़े रख करके पूछो। भाइयों बहनों, देश की आजादी, साठ पैंसठ साल का समय बीत गया, उसके बाद ये प्रधान सेवक को आपकी सेवा करने का आपने मौका दिया। उनकी चार पीढ़ी और चाय वाले के 4 साल। मैं जरा पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, जरा उनको पूछना, जब आपकी चार पीढ़ी देश पर राज करती थी, गली से लेकर के दिल्ली तक आप ही का कारोबार चलता था, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तुम ही छाए हुए थे, क्या ये सच नहीं है कि 65 साल का कालखंड बीत गया था, चार पीढ़ी ने राज किया था, लेकिन ग्रामीण परिवारों में शौचालय की सुविधा 40% भी नहीं थी? याद रखोगे आप, 2014 में मेरे आने से पहले गांव में शौचालय की सुविधा 40% भी नहीं थी। कितनी? कितनी? और 4 साल में मोदी ने 40% से 95% कर दिया, 95% कर दिया। इसको काम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये हिसाब पक्का हुआ कि नहीं हुआ? 65 साल में 40%, 4 साल में 95%, इसको काम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऐसा काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, आपकी चार पीढ़ी देश पर राज करती थी, बैंकें थी, बैंक की ब्रांच थी, लोग भी थे, लेकिन चार पीढ़ी का राज, 65 साल का समय, लेकिन इस देश के सिर्फ 50% लोग ऐसे थे जिनका बैंक में खाता था। कितने? कितने? 50%। कितने? आधे लोग ही थे जिनका बैंक में खाता था। ये मोदी आया, 4 साल में हर हिंदुस्तान